सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हंटर 350 के कुछ मॉडिफिकेशन। हंटर 350 के प्लग एंड प्ले वाले मॉडिफिकेशन है जो कि आप इजीली ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने हंटर 350 में लगा सकते हो या फिर किसी लोकल मैकेनिक की हेल्प से आप इसे फिट करवा सकते हो। और पिछली कुछ मैंने वीडियोस डाली उसमें आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, तो मुझे समझ में आ गया कि आपको हंटर 350 के ही वीडियोस चाहिए। तो ये रही एक वीडियो जिसमें अपन मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। बाकी जो अपनी प्रीवियस वीडियो थी ये वाली जिसमें रिवेन्यू अच्छा जनरेट हुआ है, तो मैं आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि उस रिवेन्यू का अपन किस मॉडिफिकेशन में यूज करने वाले हैं, आपके हंटर 350 से रिलेटेड है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला मॉडिफिकेशन है हमारे प्रो डिस्क या फिर प्रोटोटाइप व्हील कवर का। तो ये जो प्रो डिस्क है वो आता है प्रोजेक्ट मोटर आर्ट की तरफ से, और ये मैंने बहुत सारी हंटर 350 देखी जिसमें ये प्रो डिस्क इंस्टॉल था। मैं आपको स्क्रीन में भी फोटोज दिखा रहा हूँ। तो कुछ ऐसे ही लगते हैं अगर आप इन्हें इंस्टॉल करोगे अपने हंटर 350 में। तो ये जो आपका यूनिवर्सल टाइप का प्रो डिस्क आता है वो हंटर 350 में इजिली इंस्टॉल हो जाता है। तो ये आपको पड़ते हैं 1500 का एक और 3000 रुपए के दो। सिंपल मैथ है। अम्मा भाइन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। सो प्रोजेक्ट मोटर आर्ट की इंस्टाग्राम की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप एक बार जाके उनसे पूछ सकते हो। और इसके बाद में बात करें तो बहुत लोगों ने एक्रिलिक शीट का यूज करके भी व्हील कवर बनाया हुआ है। मैं दो तीन आपको फोटोज दिखाता हूँ जिसमें एक्रिलिक शीट का ही यूज करके ये व्हील कवर बनाया हुआ है। तो इसके बारे में मैंने पहले भी बात की हुई है, ये अमेजोन में आपको मिलता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप एक्रिलिक शीट लेके अगर जुगाड़ करने बैठोगे तो आपका टाइम भी बहुत वेस्ट होगा और दिमाग भी बहुत लगाना पड़ेगा और जुगाड़ भी बहुत सारे करने पड़ते हैं। तो उससे अच्छा अगर आप पहली बार में चाहते हो तो एक व्हील का लेके देख सकते हो। सो मेरा कोई भी ऐसा इसमें कोई कमीशन या फिर एफिलिएट वाला काम नहीं है। तो अगर आपका मन हो तभी इसे अपनी बाइक में इंस्टॉल करना। और दूसरा मॉडिफिकेशन है मेटल वाइजर का। तो मैंने कुछ मॉडिफिकेशन देखे थे जो कि इंटरसेप्टर 650 के वाइजर से हट के थोड़े से मॉडिफिकेशन थे आपके हंटर 350 में। तो ये जो मेटल के वाइजर हैं ये आपको अमेजोन और बैंडीडॉस पिट स्टॉप में दोनों में मिलते हैं। बट अमेजोन में इसकी प्राइसिंग आपको 1500 पड़ती है और वहीं बैंडीडॉस पिट स्टॉप में ये आपको 990 रुपए के पड़ जाते हैं। तो आपको पता है कहां से लेना है, बैंडीडॉस पिट स्टॉप में आप जा सकते हो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि अमेजोन वाला 1500 का इसलिए है क्योंकि उसमें हेडलाइट का कवर भी आएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको वो अलग से लेना पड़ता है दोनों में, बैंडीडॉस में भी और अमेजोन में भी। तो ये जो आप हेडलाइट कवर देख रहे हो मेटल का है, ये आपको लगभग पड़ता है। बाकी मैंने कुछ अमेजोन में इसके रिव्यूज पढ़े थे तो लोगों ने कमेंट किए थे कि उन्हें कुछ कटिंग वगैरह करनी पड़ी उसे फिट करने के लिए, और कुछ लोगों ने तो ऐसा बोला कि डायरेक्टली फिट हो गया। तो एक बार वो चीज जरूर देख लेना, मैं कुछ रिव्यूज आपको दिखा दूंगा जो लोगों ने किए थे। और बाकी अगर आप चाहो तो इंटरसेप्टर 650 के जो वाइजर आते हैं वो भी इंस्टॉल कर सकते हो, और बहुत लोगों ने किए हैं। बट वो अब थोड़ा सा कॉमन हो गया है ये वाइजर। तो अगर आपको कुछ नया ट्राई करना हो तो लुक मैंने आपको दिखा दिया, कुछ ऐसा आपको मिलता है, बाकी आपके ऊपर है। तीसरा मॉडिफिकेशन है हमारा टायर हगर का। ये भी यूनिवर्सल टायर हगर है, मतलब आप इसे किसी भी बाइक में इंस्टॉल कर सकते हो, और ये भी ऑनलाइन अवेलेबल है अमेजोन में। इसकी प्राइसिंग आपको पड़ती है लगभग 854, मतलब 900 के अंदर ही पड़ जाता है। मैं आपको कुछ फोटोज दिखाता हूँ जिसमें ये टायर हगर, यूनिवर्सल टायर हगर इंस्टॉल था, तो कुछ ऐसा लुक आपको देखने को मिलता है। और भी बहुत सारे यूनिवर्सल टायर हगर थे तो मैं उन सबकी लिस्ट जो है वो आपको डिस्प्ले कर दूंगा, और इन सबकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आपको ये मॉडिफिकेशन कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो मैं ट्राई करूंगा और भी ऐसे वीडियोस लाने के। अब इसके बाद बात करें तो एक मैंने हंटर 350 देखी थी जिसमें हेडलाइट में काउल लगा हुआ था, मतलब जो आपके कैफरेसर टाइप के जो कवर आते हैं या फिर फेयरिंग बोल सकते हो आप। तो मैंने ओनर से बहुत बात की, मतलब मैंने बहुत कोशिश की बात करने की बट उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। तो फिर मैंने थोड़ा सा अपने से ढूंढा, देन मुझे पता चला कि ये वारडेंची की नोज फेयरिंग आती है वो है, और इसकी जो प्राइसिंग आपको पड़ती है लगभग 2100 रुपये पड़ती है। और मेरे पास ये सिंगल फोटो ही है जिसमें हंटर 350 में ये इंस्टॉल था। देन कुछ दिनों बाद जब मैं ये सब ढूंढ रहा था तभी ओनर का रिप्लाई आया कि ये एडिटेड फोटो है, जो कि मुझे नहीं लगता कि एडिटेड है। हो सकता हो वो क्वेश्चन से बचना चाहते हो इसलिए उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया एडिटेड है। तो जो मैंने बोला था कि रिवेन्यू अपन यहाँ यूज करेंगे तो इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। तो अपना जो रिवेन्यू जनरेट हुआ है पुराना, मैं ये हेडलाइट काउल ऑर्डर करने वाला हूँ। तो जैसे ही मुझे ये हेडलाइट काउल मिलेगा तो मैं ट्राई करूंगा इसको पहले किसी हंटर 350 में इंस्टॉल करूँ, और उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है तो फिर मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, सो दैट आप लोग अगर इंस्टॉल करने वाले हो तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आए। बाकी कोई अगर पहले से करना चाहता हो तो जो वारडेंची की वेबसाइट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप एक बार जाके चेकआउट जरूर कर लेना। इसके बाद जो हमारा आखिरी मॉडिफिकेशन है वो है सेगा ऑटो पार्ट्स की तरफ से जो टैंक कवर आते हैं आपके हंटर 350 में। तो ऑफिशियल वेबसाइट में तो ये अवेलेबल नहीं है, बट मैंने अमेजोन में सर्च किया तो अमेजोन में जो सेगा ऑटो पार्ट्स की प्रोफाइल थी उसमें ये अवेलेबल थे। लगभग 1000 के अंदर की प्राइसिंग है इसकी, आपको प्राइसिंग डिस्प्ले में दिख रही होगी, और ये दो जगह अवेलेबल थे, अमेजोन में भी और मीशो में। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है अमेजोन में लेना ज्यादा अच्छा है क्योंकि मीशो का थोड़ा बहुत फ्रॉड वगैरह में नाम आ जाता है। पता नहीं
ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। इसलिए मेरे हिसाब से अमेज़न ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसी में अगर अपन टेल लाइट के कुछ मॉडिफिकेशन के बारे में बात करें, तो जैसे कि अपन ने पहले वीडियोस में देखा था, ये वाली जो आपकी टेल लाइट आती है, इन्होंने इंस्टॉल किया था अपने हंडा 350 में, तो ये लगभग पड़ती है आपको 1000 रुपए में फ्लिपकार्ट में। बाकी अमेज़न में तो ये 1500 तक पहुंच जाती है। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि आप फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। बाकी एक मैंने बाइक देखी थी जिसमें हिमालयन की टेल लाइट इंस्टॉल की हुई थी, तो हिमालयन की टेल लाइट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये 1474 रुपए की आपको ऑनलाइन पड़ती है। ऑफलाइन का मुझे आइडिया नहीं है, मेरे हिसाब से इतनी प्राइस रीजनेबल है, मतलब 1474 रुपए ही मिलेगी। क्योंकि मैंने इंडिया मार्ट में भी सर्च किया था, तो रॉयल एनफील्ड की जो ऑफिशियल प्रोफाइल थी उसमें भी सेम प्राइसिंग थी। तो 1474 रुपए में आपको ये हिमालयन की टेल लाइट पड़ेगी। बाकी फिट करने में ऐसा नहीं है कि शांति से फिट हो जाएगा, बहुत झंझट होगी, ये बात तो है। क्योंकि बहुत लोगों ने अपनी क्लासिक 350 में भी हिमालयन की टेल लाइट फिट करके देखी है, तो आपको वेल्डिंग करने की जरूरत पड़ती है, तो ये थोड़ा सा आसान काम तो नहीं है, बट मैंने इसमें मेंशन कर दिया। सो यही था मॉडिफिकेशन हंडा 350 के बारे में। आपको अगर इसमें कोई अलग मॉडिफिकेशन देखने को मिला है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। सो हेडलाइट की भी जो मॉडिफिकेशन है वो मैंने इसमें इंक्लूड करने का सोचा था, बट फिर मुझे लगा कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अगर वो वीडियो आपको चाहिए होगी तो मुझे कमेंट करना। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसमें कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो या फिर कुछ भी नया मिला हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। We'll be right back.